मेरे करियर में जब बहुत बड़ा चेंज आया, जब बलविंदर सिंह संधू बड़ौदा के कोच बन के आए भाई, तब इंडिया खेलता था और मैं जब रणजी ट्रॉफी खेला तो एक मैच खेला, उसके बाद एक मैच के बाद ड्रॉप हो गया। ऐसे इस तरह 3 साल चलता रहा मेरे साथ। जिस टाइम बलविंदर सिंह संधू बड़ौदा में आए, उन्होंने पहले जूनियर क्रिकेट जब खेलता था तब देखा था, लेकिन जब बड़ौदा में आए तो जो सराउंडिंग जो टीम था उसके अंदर आइडेंटिफाई किया कि ये लड़का खेल सकता है और इसके अंदर इंडिया खेल सकता है और इसमें वो काबिलियत है। मैं इसे देखता हूँ तो संदीप पाटिल मुझे नज़र आता है, ऐसा सराउंडिंग वहाँ पे वो कहते थे। और उन्होंने सिलेक्शन कमेटी में कहा कि ये लड़का मुझे चाहिए, ये लड़का आगे जाके इंडिया खेलेगा और वर्ल्ड कप खेलेगा। वो टाइम पे 2004 का या वर्ल्ड कप था, बोले ये वो वर्ल्ड कप खेलेगा। वो वर्ल्ड कप नहीं खेला मैं, जी लेकिन T20 वर्ल्ड कप खेला। तब उनकी मजाक उड़ाते थे कि यार बल्लू क्या बोल रहा है तू, वो रणजी ट्रॉफी की टीम में नहीं बैठ रहा, तू उसको इंडिया खेल लगाने की बात कर रहा है।